हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, स्टाइल डेवलप में। बारिश भी आ चुकी थी, हम मुख पकड़ जा रहा चाह रहा हूँ, बारिश आ चुकी है। और बल्कि सोच रहे थे इन्हें पकड़ लो, बारिश आ रही ऊपर, बारिश आ रही, बारिश हो रही बाबू। रुक जा, मैं खोल दूँ, गेट खोल दूँ। ओह, बारिश आ गई बाबू, ऊपर देखो बारिश आ गई। बारिश का मजा लेते, कैसा लग रहा बारिश में, कैसा लग रहा भाई, मजा आ रहा। और देखिए बारिश, बारिश आ गई बाबू, बारिश बाबू, बारिश आ गई। अंदर को जा, अंदर को जा, भीगे का हम भी आ रहे हैं। काफी तेज बारिश होगी मोटो, फिर हम पकड़ में जाल लगना जल्दी। यहीं बैठ जा बज्जू, हे फिर मोन बैल पकड़ी है। बारिश आ रही, देखिए एकदम से बारिश आई बहुत सारी। भाई कपड़े पहन ले, तो इसलिए बोले बारिश का मजा ले रहे हैं। तुम भी ले लो भाई, तुम भी ले लो बारिश का मजा। तो काफी तेज बारिश होगी, मैं तो भीग गया, बल्कि जुकाम हो जाए। तभी जाल खोलना था हमने ऊपर का, तो क्योंकि थोड़ी मौसम जाते हैं नीचे, वैसे जाल खोल जाता रात के टाइम, वो सुबह मतलब बारिश नहीं आती, मैं भी ऊपर आता, लेकिन ऊपर आने पहली बारिश शुरू हो गई। देखिए क्या कर रहा, क्या कर रहा चीकू, बारिश आ रही ऊपर, बारिश। मौसम नहीं हो रहा था ऐसा बारिश का, पर हो गया अचानक से ही सुबह के टाइम। बता मेरे ऊपर आया ना पहली बारिश आ रही मोटो, यो मत कर, यो मत लगा, यहाँ पे जो लगा दे छोड़ दे, इधर बारिश आने से भीग जाए। जब मैडम जी को काम कर रही है, सारे गमले लगा दिए मैंने, देख रही है ना, हाँ। पानी चले जाओगे अंदर, हाँ। पानी देने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना हल्का सा पानी देने की जरूरत पड़ती है ना। नहीं, पानी की बारिश का यूज ही है ना पेड़ों को, जो मैंने रखा ना, एक गमला लिया निकाल के लगा दूंगा साथ के साथ, पता जो मेरा ना मैंने वो रखा बाल्टी में, अच्छा वो कहीं भी लगा सको आप। देखिए कल ना ये मैंने प्लांट्स लिया था, और अब इसके अंदर ना इसे लगाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला, और इसका सेम जो कॉपी है ना बड़े वाला, वो है वहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है। ये भी गमले प्लास्टिक वाले मट्टी वाले, एक मट्टी का था ना बोला सारे बेकार हो गए पानी के वजह से, बहुत तेज बारिश आ रही है, और एकदम से ना घना बादल आ गया, बिल्कुल काला हो गया मौसम, और सारे के सारे देखो आप देखना कि बारिश पड़ रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश। अब कुछ प्लांट्स और ला के बोलूँगी नहीं कि लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स वगैरह, इसलिए अभी इनकी ना पता, मैंने कल उनसे पूछा था भैया से, मैं कहीं बता दूँ उनकी केयर कैसे कर रख रहे हैं, नो कहीं बढ़ नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम है इनमें खाद वगैरह की, तो खाद डालनी पड़ेगी इनमें। मैं बताऊँ तुम्हारे जीजे जी आऊँगी, थोड़ी का खतरा हमारा बहुत सारा, उसे नहीं आऊँगा थोड़ा सा।
ये देखिए इन्होंने ना इन्होंने खून पी रखा मेरा सब खून पी दिया। एक वो देख एक वो बैठा जगह वन टू सुनाओ आप वन टू सुनाइयो वैसे सुना दो सुना दे सुना भाई यहाँ सारे मारा नहीं याद कर रखे ना सारे मैं रोज याद कराऊँ इसके घर पे ये काला जी का भोग आ चुका है काला जी भोग लगा रहे काला जी के लिए खीर और आलू की सब्जी और रोटी ये बात थे काला जी बरसात का मजा लीजिए। तो गाइस मैं हो चुका हूँ क्लिनिक के लिए रेडी और बारिश भी बिल्कुल बंद हो चुकी है दिखाता हूँ आपको बारिश भी पड़ ली धूप भी निकल गई दोबारा ये देख बारिश ने ड्रामा बना रखा बारिश भी हो चुकी है धूप भी निकल चुकी है और मौसम भी साफ हो चुका है सारा अब देखिएगा पता है प्रियम बारिश पड़ ली धूप भी निकल गई हाँ ये हो रहा ये सीन हो रहा बढ़िया क्यों तो कल मुझे पता चला तू बाइक लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा था कल हाँ कल इसी किसने बताया मतलब कहाँ घूम रहा था मतलब मैंने बाइक की सर्विस करवा दी कुछ करवा दिया तो मैं घूम रहा था नहीं कहीं और भी घूम रहा था तू भाई सब भी काम करवाने पड़ा है नहीं सही है भाई सब सबकी हेल्प करवानी चाहिए कल पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिर मेरे को फोन आया भाई तेरा भाई तो बुलेट लेकर वहाँ घूम रहा है सामने अड्डे पे तेरा भाई तो घूम कर वहाँ घूम रहा है पूछ इससे अरे एक काम था एक लड़की का काम करवा रहा था उसे देख लेता मैं भी कुछ कह सकती देख लो मेरे पास फोन आ गया आ जा मैं नहीं मम्मी जी बोली थी वो यार वो तो मेरे से बहुत बड़ी थी मैं तुम्हारे जितनी थी अच्छा जो नहीं है ना हमारे कल ही कारीगर जो आफा जा उसकी जैसे ही लड़की थी ये बस मजाक कर रही अगर आपको पता हो पर ये बात तो सीरियस मतलब है सीरियस मतलब है नहीं मुझे फोन आ गया था कल थोड़ा काम करी हो लेकिन इतना जोश आ गया तो मैंने अंदर से लेकर बाहर तक सब सफाई डाउन हो गया सारे निकाले तो बाहर इसका ढीला हो चुका है ना हो गया तब चलते हैं नीचे नाश्ता भी करना है और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है और कर तुम्हें पता ही क्या कर रहे होंगे शैतान है शैतान नहीं कर रहे होंगे देखने की ड्यूटी लग गई आज जोने की ड्यूटी है चले चलो चले मितुआ हैं मोटो स्लोली स्लोली मम्मी तो सो रही है मम्मी सो रही है मम्मी क्यों सो रहे तुम मम्मी सो रहे क्यों हो तुम हेलो 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 लेटी रहो मम्मी जी आप अब कैसी तबीयत है तुम्हारी आगे देख कहाँ घूम गया है कहाँ घूम गया कहाँ गया था जो भी गया था तेरे साथ जो भी गया था गंदी बात मुंह मनी उंगली दिया करते गंदा बच्चा होगा गाइस देखियो इस बंदे को बरसात के मौसम में ना बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहन रहा किसने बताई है नहीं भाई साहब तो तेरी पहले से ही है हैं कितना बताया जो भी मैं कुछ करूँ ना कोई बता मेरा थोड़ी यार फिर मैं भी डरेंगे बताओ कोई बताने वाले घूम के पड़ेगी मैं खुद चल रहा हूँ बहुत मगाज क्या पहनूँ विधान बता करेगा विधान क्या पहनेंगे चाचू आज क्या पहनेंगे सूटर नहीं तो सूटर कह रहा पहनने को अब बंटी आ रहे कर दी मेरे भी कर दे बड़े तो चमका दे हैं तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जान से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखेगा और शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो बारिश है वो बंद हो चुकी थी और अब जो है दोपहर की 3 बज रहे हैं और मेरी ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। 3 मतलब सुबह के टाइम जब बारिश बंद हुई थी, उसके बाद ये भी मतलब क्लिनिक ही जाने ही लग रहे थे। मेरा बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से बीपी लो हो गया था और जो ये वाला हाथ है ना बिल्कुल सुन हो गया था, पता ही नहीं लग रहा था कि ये हाथ है भी नहीं है, इतना सुन हो गया था बिल्कुल। और तो फिलहाल तो अब मैं भी ठीक हूँ और मेरा हाथ भी ठीक है, मैं बिल्कुल अब जब ठीक हूँ। बस थोड़ी सी ना आँखों में पेन है और कुछ नहीं। और फिलहाल तो अभी मैंने जो है गोपाल जी को भोग लगाया है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब थी मतलब मेरा बीपी लो हो रहा था तब बेचारे सुबह से गोपाल जी ऐसे ही बैठे थे, तो मैंने फिलहाल अभी गोपाल जी को वहीं सिलाया अपने पास में। और अभी फ़िलहाल मम्मी जी मेरे पास बैठी थी, बातें कर रही थी मेरे से, तो वे गई अभी नीचे। और तो फ्रेंड्स फिलहाल तो जो मौसम हो रहा है ऑसम हो रहा है मौसम बिल्कुल, क्योंकि ना इतनी धूप हो रही है ना इतनी मतलब बारिश पड़ रही है, बिल्कुल मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऑसम हो रहा है मौसम, आप समझ सकते हो, और बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल ना 3 बज रहे हैं, अब मैं भी जो अपना खाना लेके आ गई हूँ। मेरा बिस्किट का मन कर रहा था और साथ में चटनी और साथ में रोटी, और मैं ये लेके आई हूँ, अब ये खाऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि ना अभी मेरी आँखों में बहुत पेन है, तो उसके बाद मैं लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड तो देखिए मैं खाना खाने बैठी थी और अचानक ये आ गए और ये अब मेरे साथ में खाने खा रहे हैं। और हाँ, और तो पता क्या लेके आई हाँ, इनका मन कर रहा था क्योंकि मेरी सुबह तबीयत खराब थी ना, तो ये मेरा पता लेने के लिए आया है और कि कैसे है, क्योंकि मैं सुबह से लेट ही रही थी, मतलब ये देख लो मैं सुबह 10 बजे से लेट रही थी, कोई होश ही था मुझे ऐसे लेट रही थी। अब तो मैं बहुत आराम है, मम्मी जी बैठी मेरे पास में, थोड़ी सी बातें करी उन्होंने मेरे साथ में, तो दिमाग भी मतलब जो यहाँ पर दर्द हो रहा था मेरे यहाँ पर लेके पीछे, अब तो बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इन्हें देख के। वैसे आज का लंच मैं आपके साथ में लिखा था मेरे नसीब में तो हम खाना खाते उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैं तो जा चुकी हूँ अपने क्लिनिक पर और अभी मैं मतलब बैठी हूँ और 4 बज रहे हैं और बैठ के देख रही हूँ कथा देख रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आदत हो गई है कथा देखने की। इस टाइम ना मैं कथा जरूर देखती हूँ, वरना नहीं देखती ना तो पूरा दिन अजीब सा लगता है। तो अब मैं कथा देख रही हूँ और सब नीचे जग चुके हैं, वरना सो रहे थे सारे सब के सब, और मम्मी तो मेरे पास ही थी। अब मैं नीचे जाऊंगी और उनके पास थोड़ी देर बैठूंगी, और जाने से पहले नीचे तो पहले मैं एडिटिंग करूंगी वीडियो की, क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ उसके बाद नीचे जाती हूँ। तो अब आपसे मैं कल मिलूंगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।